तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने ही चैनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आइडियाज पे। दोस्तों आज बात करेंगे एक और लाइफ केयर सेक्टर की कंपनी की, क्योंकि दोस्तों इससे पहले भी हम एक लाइफ केयर सेक्टर पे जो एक स्टॉक कवर कर चुके हैं, और यदि आप उसको सुनना चाहते हो तो हमारे वीडियो सेक्शन में जाके सुन सकते हो। ये जो हमारा दूसरा आज का स्टॉक है वो है मिरी मीडियम लाइफ केयर। दोस्तों इस स्टॉक में आज 0.80% की तेजी है। ये स्टॉक 533.90 की प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो आइए इसके लेटेस्ट अपडेट ले लेते हैं, इसके फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल डिस्कस कर लेते हैं। नए आए हो दोस्तों तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें, क्योंकि दोस्तों आपका एक जो लाइक है, आपका जो हमारे को सपोर्ट करते हो आप, उसी से ही हम आपका चैनल चलाते हैं। क्योंकि दोस्तों हमें कई क्वेश्चंस भी आते रहते हैं कि सर आपकी वीडियो से हमें इतना प्रॉफिट हो गया, इतना प्रॉफिट हो गया, तो हमें अच्छा लगता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, रियल डाटा के बेसिस पे आपको किसी स्टॉक में निवेश की राय देते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू है वहां पे हम आपको जो है वो निवेश की राय देते हैं। जिस कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है वहां पे निवेश की राय देते हैं। यहाँ पे हमें कोई टेक्निकली ब्यूलिश मोमेंटम दिख रहा है तो वहां पे हम शॉर्ट कॉल देते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमें कंटिन्यूसली जो है वो सपोर्ट भी करते रहे। तो आइए बात करते हैं री मीडियम लाइफ केयर की। दोस्तों इसके फाइनेंशियल नतीजे डिस्कस करेंगे, वैल्यूएशंस का डाटा भी एक बार चेक करेंगे। सबसे पहले दोस्तों इस कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है वो हम स्टडी कर लेते हैं। दोस्तों इसके भी जो हमारे पास सितंबर क्वार्टर के नंबर है, वहां पे जो कंपनी का रेवन्यू है 473 आया था, ये करोड़ में है। और लास्ट थ्री क्वार्टर से मार्च 23, जून 23 एंड सितंबर 23 कंपनी का जो रेवेन्यू है कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। जीरो जीरो बेसिस पे भी और क्वार्टरली बेसिस पे भी, सिक्वेंशियल बेसिस पे भी रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो अब बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट में भी बहुत ही शानदार रिकवरी देखने को मिल गई है लास्ट थ्री क्वार्टर से मार्च, जून एंड सितंबर। यहाँ पे भी एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल गई है। तो कंपनी का मतलब कह सकते हो कि फंडामेंटल इंप्रूव हो रहे हैं, तो कंपनी के नतीजे बहुत ही शानदार आ रहे हैं। तो अब इसका लॉन्ग टर्म का नेटवर्थ देख लेते हैं, बैलेंस शीट का डाटा भी एक बार चेक कर लेते हैं। नेटवर्थ देखें तो दोस्तों यहाँ पे भी बहुत ही शानदार रिकवरी देखने को मिली है। इन द फाइनेंशियल ईयर 23 कंपनी का जो नेटवर्थ है वो बढ़ के 10.36 करोड़ हो गया है फ्रॉम 4.94 करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर 22। तो यहाँ पे भी लास्ट 5 ईयर से देख सकते हो कंपनी का नेटवर्थ कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। क्योंकि दोस्तों जो अच्छी कंपनीज है उनमें क्या होता है, आपको फाइनेंशियल नतीजे भी इंप्रूव होते दिखाई देंगे, उनके सेल्स भी बढ़ेंगे, उसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा और उस कंपनी के नेटवर्थ में भी इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही देखने को मिल रहा है, कंपनी अपने फंडामेंटल्स को, नेटवर्थ को कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है। लॉन्ग टर्म में देख सकते हो रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और साथ के साथ देख सकते हो नेटवर्थ भी बढ़ रहा है। ये ईयर ऑन ईयर बेसिस का इसका जो डाटा है नेट प्रॉफिट का, यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल गई है। तो एक बात तो क्लियर है, कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही इंटैक्ट हैं, बहुत ही बढ़िया हैं। लेकिन दोस्तों अभी वैल्यूएशन देखें तो कंपनी की स्टॉक की जो वैल्यूएशन है थोड़ी हायर एंड पे जरूर चली गई है। पीई मल्टीपल्स 128 के हैं, इंडस्ट्री के पीई रेशियो जो है वो 84 की है। तो इंडस्ट्री के मुकाबले थोड़ा सा महंगा जरूर है, लेकिन यदि इसकी आरओई परसेंटेज देखें तो 38% के ऊपर है। तो फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ही बढ़िया है और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही लो है। तो वैल्यूएशन थोड़ी हायर जरूर है, लेकिन दोस्तों जैसे ही कंपनी की इनकम इंक्रीज होगी, जैसे अभी नतीजे नहीं आए हैं कंपनी के, यदि कंपनी के नतीजों में फिर कंपनी की इनकम इंक्रीज हो जाती है तो फिर कंपनी की वैल्यूएशन भी एडजस्ट हो जाएगी। तो आप धीरे धीरे करके लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में बने रहें, क्योंकि दोस्तों पहले इस कंपनी ने एक अनाउंसमेंट भी की थी, स्टॉक स्प्लिट भी दिया था पहले कंपनी ने। यहाँ पे देख सकते हो पहले सितंबर में कंपनी ने जो थी स्टॉक स्प्लिट दिया था इन द रेशियो 5:10। तो ये भी आपको नोट करना है, कंपनी अपने निवेशकों को बनाजा जो है वो देती रहती है, पहले भी दे चुकी है। तो अब इसका एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो हम स्टडी कर लेते हैं कि किस तरह का शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी में देखने को मिला हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो आप रिटेलर के पास 98.85% का स्टेक है, बहुत ही बड़ा स्टेक जो है वो अब रिटेलर के पास है इस कंपनी में। प्रमोटर का स्टेक 1.11% का है। ये थोड़ा सा एक स्टॉक पे जरूर नेगेटिव ट्रेंड है कि प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ज्यादा कम है, प्रमोटर की होल्डिंग 1.11% के अराउंड ही दिख रही है। और कंपनी के प्रोडक्ट्स देखें तो कंपनी डिफरेंट टाइप के लाइफ केयर प्रोडक्ट्स बनाती है, मेनली फार्मा सेक्टर में कंपनी काम करती है। दो इसके वर्टिकल्स हैं, एक है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कंपनी डिफरेंट टाइप की फार्मा प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे कि APIs, दैट इज एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स। दोस्तों जो भी हमारी दवाइयां बनती हैं वहां पे कुछ फार्मा इंग्रेडिएंट्स बनते हैं,
उसी के बेसिस पे ही दवाइयां बनाई जाती हैं। तो उस तरह के इंटरमीडिएट्स एंड इंग्रेडिएंट्स कंपनी बनाती है, डोमेस्टिक लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। कंपनी का बहुत ही अच्छा बिजनेस है। तो फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स, एपीआईज एंड अदर फार्मा प्रोडक्ट्स जो है वो कंपनी के बहुत ही पॉपुलर है। और साथ के साथ ही कंपनी डिफरेंट टाइप की जो एडवाइजरी सॉल्यूशंस है, सर्विसेज है, वो भी प्रोवाइड करती है। तो फार्मा सेक्टर में एक अच्छा बिजनेस है कंपनी का। तो फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है, लॉन्ग टर्म में कंपनी ने अपने निवेशकों को बहुत ही शानदार रिटर्न्स दे रखे हैं। यहाँ पे 5 ईयर्स का रिटर्न्स देखो, 16,000% से ज्यादा रिटर्न्स 5 ईयर्स में बना के दे रही है। तो ये होता है दोस्तों लॉन्ग टर्म में एक मल्टी बैगर स्टॉक। स्टॉक एक मल्टी बैगर भी है और इस स्टॉक में कंटिन्यूसली तेजी जो है वो बनी हुई है। अब इसके कॉर्पोरेट एक्शन जो है वो हम आपके साथ जरूर शेयर करना चाहेंगे, कंपनी ने कब कब अपने निवेशकों को बनाजा दिया है। क्योंकि दोस्तों ये जो स्टॉक्स है ना, ये मल्टी बैगर स्टॉक कैसे बनते हैं, ये क्या करते हैं, कई बार निवेशकों को स्टॉक स्प्लिट दे देते हैं, कई बार डिविडेंड मिल जाता है, कई बार बोनस मिल जाता है, कई बार बायबैक आ जाता है। तो इस तरह आपकी जो वेल्थ है स्लोली स्टेडली ग्रो करती रहती है। तो इसलिए दोस्तों हम आपको कहते हैं लॉन्ग टर्म निवेशक बनो, इस तरह के स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो और अपने जो पोर्टफोलियो में इस तरह के स्टॉक जरूर ऐड करो। तो आइए यहाँ पे चलते हैं आगे इसके कॉर्पोरेट एक्शंस पे। ये देख सकते हो कंपनी ने सितंबर में अपने निवेशकों को स्टॉक स्प्लिट दिया था फ्रॉम ₹10 to 5 23 में, और 23 में ही अपने निवेशकों को इसने बोनस दिया था इन द रेशो 9:5। तो देख सकते हो 23 में कंपनी बोनस भी दे चुकी है और स्टॉक स्प्लिट भी जो है वो दे चुकी है। सो थैंक्स अगेन दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए मल्टीबैगर स्टॉक के साथ। थैंक्स अगेन।